श्रीनाथ प्रसाद से मेरा काम एसएन प्रसाद नया लाल धुआं के नाम से कुछ संस्मरण छापने वाले हैं। अभी टाइम लग रहा है, पता नहीं। उम्र मेरी काफ़ी हो गई है, मैं बहुत निराश हूँ। उम्र मेरी जन्म 1940 का होने से हम समझते 81 हो गया। मेरे खानदान में इतना लंबा चौड़ा कोई जीता ही नहीं है। दुख की बात तो ये है, चार भाई में दो भाई साफ हो गए, जो में से छोटे थे। खैर, हम लोग अभी प्रेमचंद से शुरू करते हैं। उस पवित्र जगह पर हैं और ऐतिहासिक जगह पर, बनारस का एक गांव है लम्ही। ये लम्ही एक अंतर्राष्ट्रीय जगह हो गया है, क्यों? बीबीसी लंदन वाले को यहाँ देखा मैंने, अमेरिका के टीचर्स को देखे, और रशियन तो यहाँ दान भी, बंगाल सोसाइटी जो है दान भी दिया था, प्रगति लेखक संघ। और यहाँ एक मूर्ति है, ये बड़ा सा आंगन है। पहले ये बहुत छोटा आंगन था, जब ये खपड़ैल था, प्रेमचंद कौन राय नाम था उनका, दलपत राय का जन्म का सूचित करने वाली मूर्ति जो है, अभी ये सूचित करती है कि यहाँ जन्म हुआ। एक कमरा था और खुला हुआ आंगन था, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था, तीन चार लोगों का, बीच में खपड़ैल का था, सामने जो रिसेप्शन जो होता है गांव का, उधर से था, इधर से आइए, दलान में बैठिए, और इधर कमरा, बीच में हमको वो मकान बड़ा अच्छा लगता है, जो बीच में आंगन हुआ करता है। मेरा खानदान भी गजब का था, उधर थी बंगालीन भौजाई, इधर थी बनारसी, का हो त्यौहार कैसन क्या मुनाचो करके, तो बीच में खुला आंगन, उस सिस्टम से ये प्राचीन खपड़ैल का मकान था। पुराने फोटो में मिल जाएगा, मेरे पास फोटो भी था लेकिन 60 का खींचा हुआ। उसी साल वो भी आए थे राष्ट्रपति यहाँ पर उद्घाटन के लिए, और लम्ही को नागरिक प्रचारणी सभा ने गोद ले लिया था। उसके पीछे क्या कहानी है, नहीं है, कैसे संतुष्ट हैं प्रेमचंद के लड़के तो बहुत दिन तक जीवित रहे, ये तो दुर्गा प्रसाद तो पोता उता में लगते हैं। तो ये प्रेमचंद की किस्सा कहानी अंतर्राष्ट्रीयता को लेकर के एक इस खाली जगह को कार्यालय कम पुस्तकालय और साहित्य बिक्री केंद्र भी खोल दिया गया है। ये भी 20 साल से है, धीरे धीरे ये चलने लगा, और जो अभी आते हैं इनके जो देखने झाड़ू से लेकर के वो चलाते हैं। प्रेमचंद जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि बनारस से अगर प्रेमचंद जी को हटा दिया जाए, अपना बनारस से भारतेंदु को हटा दिया जाए, बनारस से अगर कबीर दास को हटा दिया जाए, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? घाट। और वो जो पंडित होते क्या कहलाते हैं घाट वाले, पंडाल लोग बचेंगे। रुद्र प्रसाद वो तो खंडे के थे, लेकिन पंडा नहीं थे, मेरे टीचर थे रुद्र काशी के। तो बनारस को मैं इस ढंग से देखता हूँ, एक लम्ही को, नाम भी कितना सुंदर है, लम्ही मैंने पास में ही है, तुम्हारे पास ही है, कि यहाँ की गंगा जो है नैस, यहाँ गंगा स्नान करने के बाद आपको झूठ नहीं बोलना है, गंगा गद्दार हो तुम, और गंगा यहाँ पर उल्टी बहती है थोड़ी देर राजघाट तक, उत्तर वाहिनी है, और इसकी अंतरधारा का पूछिए मत, उसका कोई पता ही नहीं लगा पा रहा है कि इसकी अंतरधारा किधर जा रही है। ऐसे थे हमारे प्रेमचंद, उनको डिफाइन करना
अभी की जरूरत है। प्रेमचंद बिना खाए, बिना गाड़ी लिए, बिना टमटम के, उस समय साइकिल नहीं थी, यहाँ से प्रतिदिन चौक जाते थे पैदल। ऐसे रूट भी अपना लिखे हैं, अमृत राय की किताबियाँ हम दे देंगे आपको। पैदल जाना, पहले तो दालबंडी इलाका में कुछ किताब वगैरह की ज़रूरत थी, फिर अपना प्रेस खोल लिया। तो वो प्रेस दो ठो नाम है, एक भूल रहे हैं, एक विशेषरगंज में था और दूसरा जो निदान केंद्र है इसमें इनकी पत्नी रहती थी, ये मर गए थे 36 में, 1936 में प्रेमचंद जी मर गए थे अक्टूबर को। और उनकी शिवानी देवी उनकी पत्नी का नाम था, वो बहुत दिन तक वो भी किताब लिखी है, प्रेमचंद जी घर बाहर और वहाँ रहती थी, वही निदान केंद्र जो है वो केस मुकदमा लड़ा, ये किराए पर लिए थे, फिर इन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, वो किंग्स कॉलेज में पढ़ते थे ना? किंग्स कॉलेज में हाँ पढ़ते थे। अच्छा, जब आप लोग थे 1940, यहाँ की शुरुआती पढ़ाई एक मुदर्रिस मकतबा में पढ़ते थे, और मौलाना का जिक्र कर रहे हैं अमृत राय कि वो फीस नहीं लेते थे, ऐसे गांव में जाते थे, उर्दू से पढ़ाई थी उनकी, फीस थी कि आप उनके लिए कोई जलपान यही ले आएँ तो बहुत, लेकिन बड़ी कठोर थे। कई दिन ये स्कूल से भागे हैं क्योंकि डर के मारे कि आज हमें छड़ी लगेगी। प्रेमचंद जी ये लिखे अमृत राय की किताब में है, भाग गए उधर टहल रहे हैं, पाड़ेपुर के आगे, लालपुर के आगे टहल रहे हैं। फिर एक दोस्त हैं जो हैं, दोस्त के भैया कैसे जान बचेगी, तो कुछ चीज़ ले चलेंगे, कोई चीज़ ले चलेंगे तो खाने पीने का चीज़ जो है बढ़िया चीज़ कोई चीज़ ले आ करके, फल फलहरी वगैरह पहले ले आ करके और रख देते थे। तो मौलाना टीचर को क्या कहते हैं उर्दू में, मौलवी साहब खुश हो जाए। और टीचर की ये हालत थी भाइयों बहनों कि टीचर का पेट नहीं भरता था तो मौलाना साहब कपड़ा भी सीते थे। सब दोस्त उनके ऐसे ही मिल रहे हैं, गरीबी का माहौल, लंबा चौड़ा परिवार, काम बड़ा ये ले लिए हैं, पूंजीवाद, शोषकवाद, अंग्रेज सबके खिलाफ हो, ये सब दबाव पड़ा तो बड़ी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई 1936 में। उधर गोरकी लिख रहे थे रसा में, इसी लाइन में और इसी लाइन में, लेकिन इन्होंने किसी की चोरी नहीं की है। मसाला यहाँ भारत में इस गांव में इतना है कि हम टॉमस हार्डी और चे गवेरा और इनको लेने की हमें क्या ज़रूरत है। तो इन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो ये आरोप लगता है ये गांधीवादी है, गांधी का नकल किए हैं, नो, आई विल नॉट बिलीव, आई डिस्कार्ड इट।